Good morning everybody in BSc Nursing second year. Today we will start our subject medical surgical nursing first. Okay, तो हम BSc Nursing second year में medical surgical nursing first पढ़ेंगे. तो medical surgical nursing first में हमको क्या पढ़ना है, हमने first year में पढ़ा था anatomy and physiology. Anatomy and physiology में हमने सारे system पढ़े थे, जैसे cardiovascular system, digestive system है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम. अब हम यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या डील करेंगे, उसका डिजीज पोर्शन है ना, कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन सी डिजीज होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी डिजीज होती है, इंटीगमेंट्री सिस्टम में कौन सी डिजीज होती है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कौन सी डिजीज होती है. ओके, उसका कॉजेस, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स, इट मीन्स कि कौन कौन से कारण है जो वो डिजीज कॉज करते हैं, है ना, जिसके कारण से वो बीमारी होती है. और इसके बाद हम पढ़ेंगे उसका पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी इट मीन्स उसका कि उसका मैकेनिज्म क्या है, कि बीमारी कहाँ से स्टार्ट होकर उसने एंडिंग में क्या कॉज किया. ठीक है, उसी के साथ हम पढ़ेंगे. यदि उसका टाइप्स है तो टाइप्स पढ़ेंगे. देन इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है उसका साइनम सिम्टम. साइनम सिम्टम मीन्स जैसे कि कुछ पर्टिकुलर डिजीज हुई है तो उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में कफ होता है ना, कफ के साथ ब्लीडिंग होती है, वीकनेस होती है, स्वेटिंग होता है. तो ये सब क्या हुआ उसका, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. ओके, देन फिर क्या पढ़ना है हमको, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने देख लिए पेशेंट्स में, अब इससे हमको कन्फर्मेशन नहीं होगा उनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कि एग्जैक्टली वही वाली डिजीज है या कुछ और है. तो फिर हमको क्या करना है, हमको क्या डील करना है उसका, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन, की बीमारी का हम पता कैसे लगाएंगे, कैसे हमको कन्फर्मेशन होगा. तो उसके लिए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर डिजीज के लिए. ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हमको क्या डील करना है, सारे टेस्ट जैसे CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, ओके, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है. तो ये सब क्या है, इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट अ डिजीज. देन एट लास्ट हमको क्या पढ़ना है उसका, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि उसको हमको कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसका उपचार करना है. तो मैनेजमेंट में हमको देखना है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि कौन कौन से ड्रग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिजीज को ट्रीट करने के लिए. ओके, देन सेकेंड होता है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में यदि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से डिजीज ट्रीट नहीं हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना होगा, उसका सर्जरी करना होगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट. देन इसके बाद होता है हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि डिजीज हुई है, देन उसके कारण से अदर जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है ना, ब्लीडिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, एब्डोमन पेन हो रहा है, तो ये सब क्या है, सिम्टम्स है. तो सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए जो मैनेजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट. देन इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, नर्सिंग डायग्नोस्टिक बनाना है और नर्सिंग डायग्नोसिस का इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, ओके, पूरा कंप्लीट करना है. तो ये हुआ हमारा एक पर्टिकुलर डिजीज का डील. तो मेडिकल सर्जिकल में सारे सिस्टम वाइज हमको ऐसे ही डिजीज डील करना है, उसमें उसका डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसके टाइप्स, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसका पैथोफिजियोलॉजी, उसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट. ओके, अब मेडिकल सर्जिकल को डील करने के लिए, बहुत ही इजीली डील करने के लिए या समझने के लिए हमको क्या चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. मेडिकल सर्जिकल को समझने के लिए हमको सबसे पहले तो चार चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. तो उसमें फर्स्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. देन फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑर्गन. तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ऑलरेडी हमको नॉलेज है. एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको नॉर्मल पोजीशन नहीं पता होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तब तक हम उसकी एबनॉर्मलिटीज को डील नहीं कर पाएंगे. ओके, फिजियोलॉजी क्यों जरूरी है,
फिजियोलॉजी इसलिए जरूरी है कि जब कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके कारण से उसके फंक्शंस भी इम्पैक्ट होते हैं। तो यदि हमको नॉर्मल फंक्शंस नहीं पता होगा तो हम एबनॉर्मल फंक्शंस कैसे पता कर पाएंगे, इसलिए हमको फिजियोलॉजी भी जरूरी है मेडिकल सर्जिकल को डील करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन सेकंड थिंग क्या है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्यों जरूरी है हमको मेडिकल सर्जिकल पढ़ने के लिए या मेडिकल सर्जिकल को समझने के लिए, माइक्रोबायोलॉजी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करते हैं, जैसे ट्यूबर प्रोसेस होता है ना, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर प्लाई के कारण से होता है, लेप्रोसी होता है, ओके, एचआईवी एड्स होता है। यदि हमको वायरसेस का नॉलेज नहीं है, हमको बैक्टीरिया का नॉलेज नहीं है, तो हम उस चीज़ को डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, मेडिकल सर्जिकल को डील करने के लिए। ओके, देन थर्ड है हमारा फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी हमको क्यों जरूरी है, फार्माकोलॉजी हमको जरूरी है अब हम मेडिकल सर्जिकल को पढ़ रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं, तो हमको फार्माकोलॉजी उसके मैनेजमेंट करने के लिए जरूरी है। फार्माकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द ड्रग्स, है ना, जिसमें सारे ड्रग्स की स्टडी होती है, साइंस की वो ब्रांच फार्माकोलॉजी कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए उसको क्या करते हैं, ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं या ड्रग्स थेरेपी देते हैं। तो ड्रग्स का सारा नॉलेज, ओके, ड्रग्स क्या होता है, उसका एक्शन क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कितना डोज होता है, कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज और इन सारी चीज़ों का डील किस में होता है, फार्माकोलॉजी में है। तो किसी भी डिसीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमको फार्माकोलॉजी का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ओके, देन एट लास्ट हमको क्या जरूरी है, टर्मिनोलॉजी। अब मेडिकल सर्जिकल में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्म्स यूज़ करते हैं या फिर मेडिकल टर्म्स यूज़ करते हैं जिनको हम जनरल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते हैं ना, इनको सिर्फ मेडिकल में ही हम यूज़ करते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया है, हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन, हम उसको क्या लिखेंगे, हाइपरटेंशन। ओके, जैसे कि पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ रही है, तो हम उसको क्या, ये नहीं बोलेंगे कि पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ रही है, उसको क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। ओके, देन पेशेंट को क्या हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को ब्लड के साथ यूरिन आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेमचूरिया। इतना लंबा ना ही लिखेंगे और ना ही बोलेंगे। तो मेडिकल टर्म्स में हम कुछ टर्मिनोलॉजी या टर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो भी हमको मेडिकल सर्जिकल को डील करने के लिए ज़रूरी है। ओके, तो ये चार चीज़ें हैं जो हमको जरूरी है मेडिकल सर्जिकल को डील करने के लिए। फर्स्ट एनाटॉमी, सेकेंड है माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड है फार्माकोलॉजी, एंड फोर्थ है हमारा टर्मिनोलॉजी। ओके, तो हमने पढ़ा था अभी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमको डील करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का डील करना ज़रूरी है या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टर्मिनोलॉजी विल बी यूज्ड इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फर्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट को डील करने के लिए हमको जरूरी है या हमको उनका मीनिंग समझना ज़रूरी है, जो हमारे जनरल हमारे प्रैक्टिस में हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग में है ना, या फिर हमको मेडिकल सर्जिकल को डील करने के लिए हमको ज़रूरी है। ओके, तो टर्मिनोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी में हम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एडिमा। ओके, एडिमा का मीनिंग होता है अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द बॉडी कैविटी। बॉडी में किसी भी जगह पर फ्लूइड का अक्युमुलेशन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एडिमा। एडिमा का मीनिंग होता है सूजन। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम इंफ्लामेशन। ओके, इंफ्लामेशन क्या है, इंफ्लामेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म कैरेक्टराइज बाय पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड बर्निंग सेंसेशन। इंफ्लामेशन क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है। सपोज हमको कहीं पर सुई चुभेगा है ना, या फिर हमको कहीं पर इन्फेक्शन होगा स्किन में, तो उसके आसपास वाली जगह पर क्या हो जाएगा, पेन होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंफ्लामेशन। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा हाइपोवॉल्यूमिया। जब बॉडी में
थ्रोट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज मीन्स कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया मीन्स हमारी बॉडी में थ्रोट लेवल का कम हो जाना। देन हाइपरवॉल्यूमिया, अब हाइपर का क्या मीनिंग होता है, एक्सेसिव। एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, है ना, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा। तो हाइपरवॉल्यूमिया का मीनिंग होता है कि एक्सेसिव फ्लूड इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी में ज़्यादा फ्लूड होगा या फ्लूड बढ़ जाएगा, इंक्रीज ऑफ फ्लूड लेवल इन बॉडी इज कॉल्ड हाइपर वॉल्यूमिया। ओके, देन नेक्स्ट हमारा साइनोसिस। साइनोसिस का मीनिंग होता है प्रोइस्टिस्कलेशन इन द स्किन, है ना। हमारी स्किन कभी कभी क्या हो जाती है, ब्लू पड़ जाती है। ब्लू मीन्स किस कारण से होगा, ये होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो हमारी स्किन ग्लो हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइनोसिस। सो साइनोसिस इज ग्लोइश डिस्कलरेशन इन टू द स्किन। ओके, देन क्या है हमारा, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन इन टू द कंजक्टाइवा। अब कंजक्टाइवा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी आइज में प्रेजेंट होता है। तो आइज के कंजक्टाइवा में यदि इंफ्लामेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। ओके, देन क्या है एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है हमारा एनोरेक्सिया टर्म्स किसके लिए यूज़ होता है, लैक ऑफ एपेटाइट। जब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी या भूख बहुत कम हो जाएगी तो उसको क्या टर्म यूज करेंगे, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स लैक ऑफ एपेटाइट। देन हेमेटमेसिस नेक्स्ट है। हेमेटमेसिस का मीनिंग होता है, एमेसिस का मीनिंग होता है वोमिटिंग। ओके, और हेमेट का मतलब होता है ब्लड। देन हेमेटमेसिस का मीनिंग क्या होगा, ब्लड इन वॉमिटिंग। जब पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ ब्लड आएगा तो हम उसको क्या हम यूज़ करेंगे, हेमेटमेसिस। नेक्स्ट है हमारा हाइपरएमेसिस। हाइपरएमेसिस का मीनिंग होता है, हाइपर का मीनिंग होता है एक्सेसिव और एमेसिस का मीनिंग होता है वॉमिटिंग। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में वॉमिटिंग करेगा, है ना, उल्टी करेगा, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे, हाइपर एमेसिस। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वीजिंग। वीजिंग का क्या मीनिंग होता है, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कभी कभी क्या होता है, किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, तो या फिर हमारा लंग्स जो होते हैं वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं ना, उस कारण से क्या होगा, जो सांस लेंगे, है ना, रेस्पिरेशन लेंगे, उसके साथ एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, वीजिंग। तो वीजिंग का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रो का मीनिंग होता है स्टमक, एंड आइटिस जहाँ पर भी लगता है उसका मीनिंग क्या होता है, इंफ्लामेशन। सो गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, आइटिस मीन्स इंफ्लामेशन। दैट वी कैन से गैस्ट्राइटिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ द स्टमक, है ना, या फिर म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्टमक। देन नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटोटाइटिस। स्टोमेटोटाइटिस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इंफ्लामेशन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटोटाइटिस। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारा लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन इन टू द लैरिंग्स। फेरेंजाइटिस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन इन द फेरेंग्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा एपनिया। एपनिया का मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, है ना। जब पेशेंट ब्रीथिंग नहीं ले पाएगा या सांस रेट कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, उसको बोलते हैं एपनिया। देन नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया का मीनिंग होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। पेशेंट कभी कभी सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी होगी, तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं डिस्निया। ओके, देन नेक्स्ट टर्म है हमारा टैकेपनिया। टैकेपनिया का मीनिंग होता है ज़्यादा, मतलब बढ़ जाना। टैकेपनिया का मीनिंग होता है कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टैकेपनिया मीन्स इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट अबव 30 ब्रीथ पर मिनट्स। ओके, देन इसी टाइप से नेक्स्ट है ब्रैडिपनिया। ब्रैडिपनिया का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैडिपनिया। सो ब्रैडिपनिया मीन्स डिक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन टर्म क्या है, हाइपरटेंशन का मीनिंग होता है इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर।
ओके हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं. सो हाइपरटेंशन इज इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर अबव देन 140 बाय 90 mmHg. इतने से ज़्यादा यदि ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन. नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एवरेज होता है उसको 120 बाय 80 mmHg. ओके देन नेक्स्ट है हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन का मीनिंग होता है डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर. जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा है ना तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हाइपोटेंशन. सो हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर बिलो देन 110 बाय 60 mmHg. ओके नेक्स्ट है हमारा अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस का मीनिंग क्या होता है अपेंडिसाइटिस मीन्स क्या है एक एंडिंग पार्ट होता है अपेंडिक्स और एंडिंग पार्ट किसका होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का होता है. तो उस अपेंडिक्स में यदि इंफ्लामेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपेंडिसाइटिस. तो अपेंडिसाइटिस मीन्स इंफ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स. नेक्स्ट टर्म है हमारा सेलुलाइटिस. सेलुलाइटिस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन इन टू द सेल. सेल में यदि इंफ्लामेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे सेलुलाइटिस बोलेंगे. देन नेक्स्ट टर्म है हमारा कोलाइटिस. कोलाइटिस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन इन टू द कॉलम. कॉलम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं. तो लार्ज इंटेस्टाइन में यदि इंफ्लामेशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं कोलाइटिस. ओके नेक्स्ट टर्म हम यूज करेंगे टेकीकार्डिया. टेकीकार्डिया मीन्स कार्डिया का मीनिंग क्या होता है रिलेटेड टू दी हार्ट और टेकी का मीनिंग क्या होता है बढ़ जाना या इंक्रीज हो जाना. ओके तो टेकीकार्डिया का मीनिंग क्या होता है इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट. ओके टेकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट मोर देन 80 बीट्स पर मिनट है ना. 80 बीट्स पर मिनट से ऊपर यदि हार्ट रेट जाएगी तो दैट्स कॉल्ड टेकीकार्डिया. ब्रैडीकार्डिया मीन्स ब्रैडी का मीनिंग होता है डिक्रीज होना. ओके तो ब्रैडीकार्डिया मीन्स डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट बिलो देन 60 बीट पर मिनट. 60 बीट्स पर मिनट से कम यदि हार्ट रेट जाएगा तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे ब्रैडीकार्डिया टर्म यूज करेंगे. देन नेक्स्ट है हमारा मर्मर. ओके अब मर्मर हम किसके लिए यूज़ करते हैं मर्मर होता है एक साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट. जब हार्ट में कुछ डिफिकल्टी होती है और उसमें एबनॉर्मल ब्लड का फ्लो होता है. हार्ट का मेन एक्शन क्या है ब्लड को पंप करके पूल बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना है. लेकिन वो सारी चीज़ नॉर्मल हार्ट साउंड होता है उसके साथ. लेकिन जब एबनॉर्मल हार्ट साउंड होता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं मर्मर. सो मर्मर मीन्स साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट. ओके नेक्स्ट है हमारा एंडोकार्डियाटिस. एंडोकार्डियाटिस ओके अब हमारा हार्ट का एनाटॉमी सब लोगों ने पढ़ के रखा है. हार्ट की थ्री लेयर्स होती है पेरिकार्डियम एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम. ओके तो इनमें यदि इंफ्लामेशन होगा तो पेरिकार्डियाटिस मायोकार्डियाटिस एंड एंडोकार्डियाटिस. तो पेरिकार्डियाटिस मीन्स इंफ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट. देन मायोकार्डियाटिस मीन्स इंफ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट. देन नेक्स्ट एंडोकार्डियाटिस मीन्स इंफ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट. ओके नेक्स्ट है हमारा नेफ्राइटिस. अब नेफ्राइटिस मीन्स क्या होता है नेफ्राइटिस मीन्स होता है इंफ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स है ना. नेफ्रॉन्स कहाँ पर होते हैं हमारे किडनीज में होते हैं है ना. तो नेफ्रॉन्स में यदि इंफ्लामेशन होगा तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे नेफ्राइटिस. ओके देन नेक्स्ट है हमारा डायरिया. अब डायरिया हम काय के लिए यूज करते हैं डायरिया मीन्स होता है लूज मोशन है ना. वाटर पासिंग ऑफ वाटर इज फुल 3 to 4 times मोर देन 3 to 4 times इन अ डे दैट्स कॉल्ड डायरिया. ओके डायरिया मीन्स क्या होता है कि यदि हम वाटर इज फुल 3 to 4 times से भी ज़्यादा यदि हम डेली पास करते हैं इवनिंग पास करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं डायरिया. इसके जस्ट अपोजिट एक टर्म होता है कॉन्स्टिपेशन. अब कॉन्स्टिपेशन का क्या मीनिंग होता है हार्डनिंग ऑफ द स्टूल है
लेना। कॉन्स्टिपेशन मीन्स क्या होता है, कब्ज समझा। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर लॉस हो जाता है, या फिर किसी डाइट की वजह से, या किसी डिजीज की वजह से, या फिर वीक डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से क्या होता है, हमारा स्टूल पास नहीं होता है, और वो क्या हो जाता है, उसका एक्युमुलेशन इंटेस्टाइन में हो जाता है, या फिर हार्डनिंग स्टोर हो जाता है। तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज हार्डनिंग ऑफ स्टूल। देन नेक्स्ट है हमारा एपिक्स टैक्सिस। एपिक्स टैक्सिस का मीनिंग होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। कभी कभी क्या होता है, हमारे नोज से ब्लीडिंग होने लगता है, ओके। तो उसके लिए हमको क्या टर्म यूज करना है, एपिक्स टैक्सिस। देन नेक्स्ट टर्म है हमारा ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मीनिंग क्या होता है, लो क्वांटिटी या लो वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ओलिगोयूरिया मीन्स लो क्वांटिटी या लो वॉल्यूम ऑफ यूरिन। देन नेक्स्ट होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। यूरिन पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेगा। देन नेक्स्ट है हमारा हेमचोरिया। हेमचोरिया का मीनिंग होता है ब्लड इन टू द यूरिन। यूरिन में क्या होगा, ब्लड जाएगा यूरिन के साथ, तो उसमें टर्म यूज करते हैं हेमचोरिया। देन नेक्स्ट है पाइयूरिया। पाइयूरिया टर्म्स किसके लिए यूज करते हैं, पाइयूरिया मीन्स पास इन टू द यूरिन। यूरिन के साथ पस का डिस्चार्ज होगा, है ना, एक्सक्रीशन होगा पस का, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पाइयूरिया। देन नेक्स्ट होता है डाइस्यूरिया। डाइस्यूरिया का मीनिंग क्या होता है, डिफिकल्टी ऑफ यूरिनेशन या फिर पेनफुल यूरिनेशन। पेशेंट को क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा, यूरिन पास करने के टाइम पे पेन होगा या फिर डिफिकल्टी होगी, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, पाइयूरिया। देन नेक्स्ट टर्म है हमारा मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस किसके लिए यूज करते हैं, इंफ्लामेशन इन द ब्रेस्ट। मेमोरी ग्लैंड में यदि इंफ्लामेशन होगा तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे मैस्टाइटिस, ओके। नेक्स्ट टर्म है हमारा ब्रोंकाइटिस, ओके। ब्रोंकाइटिस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन इन टू द ब्रोंकियोस, है ना। हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं, उसमें ब्रोंकियोस होते हैं, तो उसमें यदि इंफ्लामेशन होगा तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे ब्रोंकाइटिस। देन नेक्स्ट है हमारा ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन इन टू द टेस्टिस, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोमलाइटिस। ऑस्टियोमलाइटिस का मीनिंग, ऑस्टियो मीन्स रिलेटेड टू द बोन, ओके। अब हमारे बोन में यदि इंफ्लामेशन होगा, है ना, इन्फेक्शन या इंफ्लामेशन होगा, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे ऑस्टियोमलाइटिस, बोन में इंफ्लामेशन। नेक्स्ट है एरिथ्राइटिस। अब एरिथ्राइटिस टर्म किसके लिए यूज करते हैं, एरिथ्राइटिस का मीनिंग होता है इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। हमारे जॉइंट में क्या होगा, इंफ्लामेशन हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एरिथ्राइटिस, ओके। देन